YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू के नेचर पार्क में अब वन विभाग के कर्मचारी ब्यास के किनारों की निगरानी करेंगे। वहीं ब्यास के किनारों की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी रोका जाएगा। ब्यास नदी में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए वन विभाग ने यह निर्णय लिया है। वन विभाग ने इसके लिए नेचर पार्क में कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा वन विभाग आसपास के एरिया में भी चेतावनी बोर्ड लगवाएगा ताकि पर्यटकों को किनारे पर जाने से रोका जाए। आपको बता दें कि इन दिनों घाटी में पर्यटन सीजन चरम पर है और पर्यटक भी नदी किनारे जगह जगह गाड़ियां खड़ी करके ब्यास की धाराओं में उतर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी को लेकर के वन विभाग ने ये फैसला लिया है। वन विभाग सख्ते में आ गया है और सतर्क हो गया है और किनारों पर बोर्ड लगाने की यहाँ पर मुहिम को है शुरू किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष ठाकुर, यहाँ पर वन विभाग सख्ते में आ गया है, क्या कोई एक्शन अब ले रहा है? जी बिल्कुल कीर्ति, जिस तरह यह पर्यटन सीजन कुल्लू मनाली का रहता है तो नदी किनारे पर जाने वाले टूरिस्ट जो है काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करके नदी किनारे चले जाते हैं, इससे काफी हादसे होने की अंदेशा रहता है। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह काफी हादसे हो चुके हैं, चाहे अपना साउथ इंडिया से भी काफी टूरिस्ट आए थे, वो भी नदी उसमें लाजी के पास। तो प्रशासन क्या क्या कदम उठा सकता है? बोर्ड तो लगवाए जाएंगे, इसके अलावा और क्या क्या कदम उठा सकता है प्रशासन? जी बिल्कुल, जो वन विभाग के जो नेचर पार्क है और जो दूसरे स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो यहाँ बोर्ड तो लगाए रहे साथ में ही उनके कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी ताकि जो पर्यटक है वो नदी किनारे ना जाए और किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान ना हो किसी का। जी कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ठाकुर तमाम जानकारी के लिए।